क्या प्रश्न था कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ क्या चीज होती है? तो सामान्य तौर पर प्रारब्ध किसे कहते हैं और पुरुषार्थ किसे कहते हैं, आपको क्या लगता है प्रारब्ध किसे कहा जाए और पुरुषार्थ किसे कहा जाए? प्रारब्ध तो जो हम कर्म करते हैं, हाँ हाँ, और पुरुषार्थ जो कि हमें उसका रिजल्ट मिलता है। पुरुषार्थ रिजल्ट मिलता है, कभी अच्छा रिजल्ट मिलता है, कभी गलत रिजल्ट मिलता है, लेकिन हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। वो पुरुषार्थ है, रिजल्ट पुरुषार्थ है या एक्सेप्ट करती है वह पुरुषार्थ है? जो एक्सेप्ट करते हैं वो पुरुषार्थ है। सच्ची बात है, पुरुषार्थ इंटरनल चीज़ है, क्या अंदर की बात है। वो पुरुषार्थ सूक्ष्म में होता है, प्रारब्ध स्थूल में होता है। पैदा होते वहाँ से लेकर मरते तक हम जो पिछले जन्म में चार्ज कर्म करके आते हैं ना, इस जन्म में हम डिस्चार्ज कर्म भुगतते हैं, वह सब प्रारब्ध कहा जाता है। समझ में आया ना? और उसी समय अंदर पुरुषार्थ चलते रहता है। पुरुषार्थ कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, इसका पता नहीं चलता है। सूक्ष्म में होता है, बहुत सूक्ष्म में होता है। पुरुषार्थ दो तरह के हैं, एक भ्रांति का पुरुषार्थ है और दूसरा पुरुष होने के बाद जो भी कुछ होता है पुरुष द्वारा वह पुरुषार्थ है। क्या नाम है आपका? ऋतु। ऋतु, मैं ऋतु हूँ, ऐसी मान्यता है, उसे अज्ञान मान्यता को भ्रांति कहा जाता है, रॉन्ग बिलीफ, भ्रांति। तब तक अहंकार उसे कहता है और अहंकार से ही पुरुषार्थ होता है, कर्तापन आता है, मैं करती हूँ ऐसा रहता है, खुद को कर्ता मानते हैं, औरों को कर्ता मानते हैं या भगवान को, किसी को कर्ता मानते ही है। तो कर्तापन से कर्म बंधा जाता है और उसका फल हमें भुगतना पड़ता है। यह भ्रांति में चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। मैं ऋतु हूँ ऐसा जब तक रहेगा तो भीतर में तो रहता ही है अज्ञान दशा में, मैंने किया, आपको मुंह से बोले या ना बोले, लेकिन अंदर तो रहता ही है। तो कर्म चार्ज होते ही रहता है, नींद में भी कर्म चार्ज चलते ही रहता है, पुरुषार्थ चलते ही रहता है भ्रांति का, और उसका फल आते ही रहता है, आते रहता है, आते रहता है। इसी तरह से संसार का परिभ्रमण चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। लेकिन जब ज्ञान मिलता है, आत्मज्ञान मिलता है, तब यह भान होता है मैं ऋतु नहीं हूँ लेकिन मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। आत्मा सूक्ष्मतम चीज़ है, इसमें कोई करने का गुण ही नहीं है। ये जो कुछ हो रहा है ये अन्य चीज से हो रहा है और वो फिर अलग दिखता है, ये सब सरकमस्टेंसेस है। रीति स्वयं फर्स्ट सरकमस्टेंस है आपके लिए, संजोग। कितने ही सारे संजोग इकट्ठे होते हैं तब एक कार्य होता है। एक कप चाय बनानी रही तो कितनी सारी चीज़ें लगती हैं, नहीं, स्टोव चाहिए, चाय की पत्ती, चीनी, आप भी चाहिए, इतना सारा, एक छोटा सा लाइटर नहीं रहा तो भी नहीं होता है, एक चीज़ नहीं रही तो भी चाय नहीं बनती है। तो यह सारी चीज़ें इकट्ठी हुई तब एक कप चाय बनी कि हमने बनाई, सब चीज़ों की वजह से चाय बनी। हाँ, यदि हम बना सकते थे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती थी, हो ही जाती थी। लेकिन एक चीज़ नहीं रहती तो नहीं बना सकते हैं, उसका मतलब यही सारी चीज़ों की ज़रूरत है।
इन सारी चीज़ों का भी महत्व है, तो हम उसको ख्याल में नहीं रखते हैं और किसी को हम क्रेडिट नहीं देते हैं और खुद ही क्रेडिट ले लेते हैं कि मैंने बनाए। स्वयं कर्ता होते हैं, वो अहंकार है, और उसे कर्ता होने से भोक्ता होना ही पड़ता है। एक्शन का रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट आता ही है, और इसकी वजह से कर्म बंधा जाता है, इसका फल आता है, मीठा फल आता है या कटु फल आता है। लोग प्रशंसा करें, बहुत अच्छी बनाए, बहुत अच्छी बनाए, तो मीठा लगेगा। लोग गालियाँ देंगे, कैसी बुरी चाय बनाई, तो बुरा फल मिलेगा। लेकिन करता हुए तो भुगता होना ही पड़ता है, समझ में आया ना? जब आप भोक्ता होते हैं उस समय अच्छा हुआ तो खुश होते हैं, तो राग, बुरा हुआ तो नाखुश हो जाते हैं, द्वेष होता है। राग द्वेष फिर से होने से अगेन नए कर्म चार्ज होते हैं, कर्म बनता है उससे, नया कर्म चार्ज बनता है। और वहाँ यह ज्ञान आपको हाजिर रहा कि मैं तो आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, मैं किसी चीज़ का करता नहीं हूँ, और ये कुछ जो कुछ हो रहा है ये तो ये सब संजोग थे, इसकी वजह से हुए, मैंने नहीं किए। तो आप कर्ता नहीं होते हैं तो भोक्ता नहीं होते हैं, आपको कर्म नहीं चार्ज होता है। यह ज्ञान हाजिर रहता है, ज्ञान में रहते हो, वही पुरुषार्थ है, सच्चा पुरुषार्थ, रियल पुरुषार्थ, भ्रांति के बगैर का पुरुषार्थ है। और मैंने किया यह भ्रांति है, यह भ्रांत पुरुषार्थ है, जिसका फल आता है संसार। और रियल पुरुषार्थ का फल आता है मोक्ष, सारे कर्मों में से छूटते जाते हो, ये सब सर्कमस्टेंसेस चला रहे हैं तो कर्म नहीं चार्ज होता है और पुराने फिनिश होते हैं, मोक्ष नज़दीक आता है। फर्स्ट स्टेज का मोक्ष तो यहाँ ही हमको अनुभव में आता है, चिंता टेंशन यह सब चले जाते हैं, जो भी सो हुआ सो करेक्ट व्यवस्थित एक्सेप्ट होता है तो हमको टेंशन नहीं होता है, अच्छा हुआ या बुरा हुआ सब सरीखा ही लगता है, तो आनंद आनंद रहता है हमेशा, उसकी कीमत है, समझ में आया ना? ये कहते हैं कि गुरु बनाना जरूरी है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता और ना ही मोक्ष प्राप्त होता है, क्या ये सच है? ऐसा है, जहाँ भी आत्मा का ज्ञान मिले सच्चा हमको, जहाँ अनुभव होवे तो वही हमारे हमारे लिए काम के, मोक्ष के लिए, उसके बिना तो ज्ञान नहीं होता है, ज्ञानी के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। स्कूल में गए, स्कूल के टीचर के पास बैठने के बाद उनके पास सीखने के बगैर पढ़ाई नहीं आती है, ऐसा इसमें भी है। और इसमें ऐसे कोई ऐसा कोई लौकिक गुरु नहीं होते हैं, ये तो मोक्ष के है, ज्ञानी है, ऐसे लौकिक गुरु किसी के होते भी नहीं है। इसलिए आपके अगले पिछले कोई गुरु रहे तो उसको ये बाधा भी नहीं करते, ज्ञान ले के उसको ज्ञान को फॉलो करो, उसकी कीमत है, समझ में आया ना जी? मेरा संकल्प शक्ति बहुत कमज़ोर है, जो भी मैं करना चाहती हूँ उसके लिए संकल्प जो करती हूँ वो हो नहीं पाता, उसके लिए क्या करना होगा? वो ज्ञान के बाद आपको आत्मबल बढ़ेगा अंदर का, मन स्ट्रांग होगा, फिर उसके साथ ज्ञान की समझ भी आएगी कि हमारा निश्चय करना हमारे हाथ में है, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है जी। हम निश्चय करके हमारा काम करे जाओ,
फिर परिणाम जो आया सो व्यवस्थित करेक्ट हुआ सो न्याय, उसको एक्सेप्ट कर लेने का, समझ में आया ना जी। तो हमको कोई तकलीफ नहीं होगी, मेंटली हम पीसफुल रहेंगे, ज्ञान में रहेंगे, कर्म नहीं बंधा जाएगा। एक तो हम करता नहीं है, दूसरा मैं ऋतु नहीं हूँ। ऋतु तो नाम है आपका, आप सचमुच थोड़ी ऋतु हैं। ये तो पैदा होने के बाद आपको पहचानने के लिए दिया गया हुआ नाम है, लेबल, आइडेंटिटी के लिए। यस, आइडेंटिटी के लिए। सचमुच आप नहीं है, आप इस नाम के मालिक हो। आप जब चाहे तब यह नाम बदल सकते हो। जिस चीज़ बदला जा सकती है वह आप खुद कैसे हो सकते हो? आप तो कायम के हो, हमेशा के लिए है। आप में कोई थोड़ी बदल हो सकता है। आप खुद कौन है उसको पहचाने का है। रियल में मैं खुद कौन हूँ, क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, ये क्या गुणधर्म है, ये सारी चीज़ें जानने से आप उसमें रह सकोगे। अभी तो आप ये आइडेंटिटी के घर जो दी है ऋतु, उसको ही मैं हूँ ऐसा मानते हैं। इसलिए क्या होता है, कोई ऋतु के नाम की गालियाँ दे तो ऐसा लगता है मुझे कहते हैं, तो बुरा लगता है ना। उसके बाद तो क्या लगेगा, ज्ञान ये जब रियलाइज होएगा, ज्ञान कर लोगे तो आपको पता चल, तो फिर अंदर रहेगा, अरे ये तो ऋतु को कहते, ऋतु यानी क्या, दिस इज जस्ट आइडेंटिटी कार्ड है, कार्ड को कहते हैं, मुझे थोड़ी कहते हैं, मैं तो आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। तो अंदर बहुत मुक्तता लगती है, नहीं तो भुगतना कितना सारा आता है। ये भुगतने में से हम निकल जाते हैं, सारे भुगतने में से। यह रियल ज्ञान है, खुद मैं कौन हूँ रियल में, और ये सब किस तरह से चलता है, कौन चलाता है, ये सारा ज्ञान अंदर आपको फिट हो जाएगा। फिर आप उसके प्रैक्टिस में जैसे लेते जाओगे, वो आपको रिजल्ट मिलते जाएगा उसको। एक निश्चय करना, प्रैक्टिस में लाना है, टच में रहना, हमारे ईमेल से, लेटर से, कैसे भी फ़ोन से कुछ प्रॉब्लम रहा तो, और ऐसे कभी टाइम मिला, छुट्टियां मिली तो आ जाना यहाँ पर। और कुछ पूछना है? ये पूछना है कि जो अब तक जो हमने कोई बुरे कर्म करे हैं जाने अनजाने में, अब उनसे कैसे छुटकारा होगा? वो सारे कर्मों को एक के बाद एक याद करके, ज्ञान लेने के बाद खुद ब खुद सब आपको याद आते जाएंगे, क्या खुलता जाएगा विज़न। शांति से टाइम मिला तब बैठ के आधा घंटा पौना घंटा बैठ के शुद्धात्माओं करके देखना। क्या नाम है आपका? रेखा। रेखा में जो जो गलतियाँ हुई है, दोष हुए पिछले, इन सारे को देखना, दिखते जाएंगे आपको आप। जैसे कि क्रोध को देखना है तो बचपन से लेके आज तक कहाँ कहाँ कैसे कैसे किसके साथ क्रोध हुआ, तो आप तय करके बैठोगी तो आपको आप दिखते जाएगा, छोटी थी तब से लेकर आज तक सब पता चलेगा। हाँ, फिर दिख खुलेगा, आत्मा का दर्शन खुलता है ना, दिखता है, फिर हौले हौले देखते जाएगा। फिर मान लो झूठ कपट किया हो, वो सब दिखते जाएंगे। एक एक टाव शब्द एक लेके करना, किसी के साथ कोई व्यक्ति के साथ हमको ज़्यादा द्वेष रहा, तो वो व्यक्ति जब से मिली तब से लेके आज तक उसके साथ क्या क्या हमारा द्वेष हुआ, वो बैठ के देखना। ज्ञान के बाद ये सब आपको दिखेगा और आपका प्रतिक्रमण हो जाएगा, तो क्लियर हो जाएगा आपको उसके साथ का। फिर नेक्स्ट लाइफ के लिए आपको वो रहेगा नहीं कुछ कर्म। माँ, क्या ये आत्मज्ञान करने के बाद हमसे कोई गलती नहीं होगी? हो सकती है ना, आत्मा से नहीं होगी, ऋतु से होगी।
ऋतु से अच्छा काम भी तो हो सकता है ना, वैसा बुरा काम भी हो सकता है, तो वो हमें पता चलेगा कि हाँ वो पता चलेगा। और कर्ण का अच्छा काम या बुरा काम, दोनों में करने वाला मैं नहीं हूँ, ये ऋतु का है, पिछला हिस्सा पूरा हो रहा है। हाँ, इसी से किसी को इस का बुरे काम से किसी को नुकसान ना हो, दुख ना हो, यह देखने का हमारा काम है। और दुख हुआ तो अब हमें ऋतु को कहना है ऋतु प्रतिक्रमण कर ले। समझ में आया ना जी? अभी मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और ये लगता है कि जो मैं कर रही हूँ वो अच्छा कर रही हूँ और जो दूसरे कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अभी रिवर्स कर डालो, ये समझ ही रिवर्स कर डालो। सब कर रहे अच्छा कर रहे, मैं कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मुझे गुस्सा आ रहा है, वो सबसे बड़ी गलती तो मेरी ही है। नहीं, गुस्सा करना तो किसी ने कहा नहीं है, गुस्सा करना अच्छा है ऐसा तो कहीं नहीं कहा, तो फिर आप क्या अच्छा कर रही है? और जो गुस्सा नहीं करे वो हमारे से तो बेहतर है या नहीं? ऊपर से हमारा गुस्सा सही ले रहे तो कितने बेहतर है, तो उनके लिए तो हमें अहो रहना चाहिए, ऊपर से उसकी माफ़ी मांगना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। अरे ये तो मेरा अहंकार है, एक तो गुस्सा किया वो अहंकार, और ऊपर से मानना कि मैं अच्छा करूँ तो दुगुना। समझ में आया ना जी? क्रोध मान माया लोभ यह सब हमारे बहुत बड़े शत्रु हैं, बहुत बड़े गुनाह है। इसी से सारे हमसे सब लोग दुखी होते हैं और हम भी दुखी होते हैं। कोई दोषी है ही नहीं, दोष सारा हमारा ही है, ऐसा देखो। और दिखा अपना दोष तो प्रतिक्रमण करो, हमसे किसी और का दोष दिख गया तो उसका भी प्रतिक्रमण करो, छूट जाओ। हर एक के अंदर बैठे हुए भगवान के पास, शुद्ध आत्मा के पास माफ़ी मांग मांग के छूट जाओ, क्योंकि हमें मोक्ष में जाना है, छूटना है। अनंत अवतार ऐसा ही किया है, औरों की गलतियाँ देखी है, हमारी नहीं देखी है। और नियम क्या है, औरों की गलती देखने से हमें मध्यम में द्वेष उत्पन्न होता है, फिर अहंकार और बिगड़ता है, उसके साथ भेद गिर जाता है, प्रेम नहीं रहता है, अभेदता नहीं रहती है, और फिर अंतर बढ़ते जाता है। फिर हम उससे कभी नज़दीक नहीं जा सकते, वो हमारे नज़दीक आने का पसंद नहीं करते, हमको टूट गया सब। हम हमारी गलती देखे तो सामने वाले का भी मन पिघल जाएगा, अरे उसको भी पता चलेगा, उसको भी वाइब्रेशंस जाते हैं हमारे प्रतिक्रमण के कि गलत तो कर दिया ये, लेकिन रेखा गलत तो कर दी लेकिन अंदर पश्चाताप कर रही, प्रतिक्रमण कर रही, तो सामने वाला भी ग्रह छोड़ देगा। खूब प्रतिक्रमण करो, हमको क्रोध हुआ वह हमारा ही गलती है, और उसमें और कौन सच्चा कौन झूठा हो देखने की बात ही नहीं है। यहाँ तक कि हमारे से कोई दुखी हुआ पूरा हो गया, फिर हमारी सच्ची बात से दुख हुआ कि अच्छी बात गलत, सब प्रतिक्रमण करने के लायक है। सच्चा का बुरा ये रिलेटिव है, रियल नहीं है। सच में तो किसी को दुख हुआ वही गलत है, फिर हम सच्चे हो या वो सच्चे हो उसकी महत्वता नहीं है। कर्म बंधा जाता है कैसे, औरों को दुख देने से कर्म बंधा जाता है, औरों के दोष देखने से कर्म बंधा जाता है, खुद के दोष देखने से कर्म में से छुटा देता है, औरों के दोष देखने से पाप बंधा जाता है, अपने दोष देखने से छूटते हैं, मोक्ष की ओर जाते हैं। समझ में आया? और हमारी इच्छा नहीं फिर भी दोष दिख गया किसी का तो तुरंत प्रतिक्रमण कर लो सच्चे दिल से, पश्चाताप से। इसके लिए एक ही निश्चय होना चाहिए कि मुझे छूटना है, किसी से दुख देके मुझे बैर नहीं बढ़ाना है,
सबसे ज़्यादा बैर कहाँ बढ़ता है, हमारे नज़दीक के सगे संबंधियों में ही, जितने नज़दीक हैं वहाँ ही ज़्यादा राग द्वेष होता है, वहाँ ही ज़्यादा बैर बनता है। भले इतना कितना भी अच्छा संबंध क्यों ना हो, माँ बेटी क्यों ना हो, बहन बहन क्यों ना हो, लेकिन साथ में बैठ के एक थाली में खाते फिर भी वहाँ बैर बांधते हैं, क्योंकि नज़दीक रहते हैं वहाँ ज़्यादा गलतियाँ एक दूसरे की देखते हैं, दूर रहते हैं उसकी कहाँ गलतियाँ देखने जाते हैं। तो वहाँ अगर प्रतिक्रमण कर करके छूट गए तो सबसे जल्दी काम हो जाएगा। समझ में आया? नवल जी चावला, दिल्ली। सत्संग का जीवन में क्या महत्व है, कृपया प्रकाश डालें। जैसे कुसंग की असर होती है ना, अब मैं खाने में गए तो औरों को देख के आप भी लगा देते हैं कादा पैक, असर होती है। डिस्को डांस में गए ना तो हमने देखा है बूढ़े लोग सिर्फ देखने ही जाते तो भी वो नाचने लगते हैं, वो सब कुसंग की असर है। नहीं गुरु मत, सत्संग अगर हमारा 2 या 3 दिन में छूट जाता है तो संसार की जो मैल है मन के ऊपर बहुत जल्दी छाती। कुछ ऐसी विधि, अगर सत्संग के हम टच में 2-4 दिन नहीं भी रहे तो संसार की मैल मन पर ना बैठे। सत्संग का मतलब क्या है? सत का संग, सत यानी अविनाशी आत्मा को सत कहा है, अविनाशी चीज को, उसका संग, उसका रंग चढ़े, वही सच्चा सत्संग है। बाकी भक्तन कीर्तन करे, ध्यान करे, ये सब शुभ संग है। सत में आत्मा में आप रहें, ज्ञान में रहें, आत्मा की बातें हो, ये वहाँ आप बैठे, यह सब पुष्टि मिले आत्मा की, यह सच्ची सत्संग है।